ये कहते ही जब वो जल परी को काटने जाता है, तभी वो जल परी एक पंख वाली जल परी की रूप लेती है। सिमुलतुली जंगल के पास एक बहुत बड़ा और गहरी जादुई तालाब था, जहाँ बहुत सारे जादुई जलजीव खुशी से रहते थे। इस जंगल में रहने वाला जैकी लोम्बी हर रोज उसी तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस जादुई तालाब के पानी में असल में कौन रहता था। जैकी बस उस तालाब से छोटी मछली पकड़ता था। इस नदी में कितने सारे मछली, और खाने में ये बहुत स्वादिष्ट है। उस दिन जब वो मछली पकड़ रहा था, तब उसे एक केकड़ा दिखाई दिया। अरे वो तो केकड़ा है, मैं कितने दिनों से केकड़ा नहीं खाए, जाके उस केकड़ा को पकड़ के खाऊंगा। लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ पर आता है राजू लोम्बी। वो जैकी को देखकर मन ही मन कहा, वाह, तुम केकड़ा पकड़ रहे हो, लेकिन उसे तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, उसे पकड़ूंगा मैं। ये कहते ही वो जैकी के पीछे जाकर उसे धक्का देकर गिरा देता है और खुद उस केकड़े को पकड़ने जाता है। लेकिन केकड़ा भी, क्यों, कैसा लगा, फिर कभी मुझे पकड़ने के लिए आओगे, तभी भी ऐसे ही काटूंगी। इधर जैकी लोमड़ी जब डूब रहा था, तब वो चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ राजू लोमड़ी, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? ये केकड़ा तो तुम्हें काटने वाला था, अब तो ये मुझे ही काट लिया। लेकिन जैकी लोमड़ी खुद को बचाने की कोशिश करते हुए भी पानी में डूब गया। वो पानी के नीचे जाके एक अजीब चीज महसूस किया। पानी में डूबने से तो उसका मृत्यु होने वाला था, लेकिन वो जिंदा है और सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रहा था। फिर वो चारों तरफ देखता है कि वहाँ पर है जादुई जल परियों की देश, और उसके आसपास घूम रहे हैं रंग बिरंगी जल परियों। क्या आप लोग सच में जल परी हो, या मैं मर के स्वर्ग लोक आ गया हूँ? नहीं, तुम जिंदा हो, इस जादुई तालाब में किसी का भी मृत्यु नहीं होता, लेकिन तुमसे गुजारिश करती हूँ कि तुम यहाँ से लौट के हम लोगों के बारे में किसी को भी मत बताना। हम तुम्हें भेंट के रूप में हर रोज एक टोकरी मछली देंगे। ठीक है, वही होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम लोग एकदम निश्चिंत रहो। फिर नीला जलपरी और लाल जलपरी जैकी लोमड़ी को तालाब के बाहर छोड़ देते हैं। इसके बाद नीला जलपरी हाथ घुमाई और जादू से जैकी लोमड़ी को एक टोकरी मछली भेंट में देती है। फिर जैकी लोमड़ी खुश होकर टोकरी माथे पे लिए घर चला जाता है। अरे इसे तो पानी में डूब के मर जाना चाहिए था, उसके बदले ये टोकरी भर के मछली ले जा रहा है, ये राज तो मुझे जानना ही पड़ेगा। इधर जैकी लोमड़ी जब घर पहुँचे, तब ये क्या, एक टोकरी मछली आपको कहाँ से मिला? अभी मैं सब बताता हूँ। ये कहते हुए जैकी लोमड़ी अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है, और ये सब कुछ खिड़की के बाहर खड़े हुए राजू लोमड़ी सुन लेता है। अच्छा ये बात है, मैं अभी जाके उस तालाब में डुबकी लगाता हूँ, फिर उसके बाद। ये कहते ही वो राजू लोमड़ी सीधा तालाब में जाके एक डुबकी लगाया। ये क्या, तुम कौन हो, तुमने तो हम सबको देख लिया, हम तुम्हें भी जैकी लोमड़ी की तरह तालाब के ऊपर पहुँचा देंगे और एक टोकरी मछली भी देंगे। नहीं नहीं, मुझे ऊपर तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तो तैरना आता है, और मुझे वो एक टोकरी मछली नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें खाऊंगा। क्या मुसीबत है, साथियों भागो यहाँ से, अपने प्राण बचाओ। फिर राजू लोमड़ी नीला जलपरी को पकड़ लेता है और खींच के पानी से बाहर ले आता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, इस तरह मत खाओ, छोड़ दो मुझे। तुम्हें छोड़ना तो दूर की बात है, आज से तुम्हारे जैसा रोज एक जलपरी को पकड़ूंगा और खा जाऊंगा।
जलपरी के ऐसे रोने की आवाज सुनकर जैकी लोमड़ी दौड़ते हुए उस तालाब के पास आता है। ये क्या कर रहे हो राजू लोमड़ी? जलपरी को अभी छोड़ो। तुम गलती से भी जलपरियों को कमजोर मत समझो। चुप करो, ज्यादा बोलो मत, ये मेरे शिकार है, मुझे खाने दो। ये कहते ही जब वो जलपरी को काटने जाता है, तभी वो जलपरी एक पंख वाली जलपरी की रूप लेती है और उड़ते हुए जलपरी अपनी जादू से राजू लोमड़ी को एक मेंढक बना देती है। वाक 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 वाक, ये क्या, मैं तो मेंढक बन गया। अच्छा, मुझे भी वाक वाक पानी में ही रहना पड़ेगा। वाक वाक, ये कहते ही वो पानी में कूद जाता है। फिर जलपरी ने बोली, सुनो जैकी लोमड़ी, तुम्हें भी ये सारी घटना भूलना पड़ेगा। ये कहते ही नीला जलपरी जैकी लोमड़ी को दो सेब देती है। फिर कहती है, जाओ घर जाके तुम और तुम्हारी पत्नी ये सेब खा लेना, अलविदा। इसके बाद जैकी लोमड़ी परी के कहे अनुसार घर लौट के वो और उसकी पत्नी दोनों सेब खाते ही सो जाते हैं। अगले दिन नींद से उठकर फिर से जैकी लोमड़ी हाथ में मछली पकड़ने की छड़ी लिए हर दिन की तरह मछली पकड़ने के लिए जाता है। फिर लोमड़ी झाड़ियों से बाहर आते हैं और जैसे ही दो कदम आगे जाते हैं, तभी दखक नाग साथी लोमड़ी को पकड़ लेता है। मधुबन की घने जंगल में दखक नाग उसकी काली गुफा में बहुत सारा मुर्गी पाली थी, क्योंकि दखक आप बूढ़े होने लगे थे। जंगल के बाकी साथी सिकौड़ियों के साथ वो आप नहीं शिकार कर पाते थे। जैसे ही वो किसी खरगोश का शिकार करने जाते, आसमान से उड़ते हुए बाज उसका शिकार को छीन के ले जाते। ये बाज मेरा शिकार को फिर से छीन के ले गया, अब मैं क्या खाऊंगा? लगता है गुफा में जाके कुछ मुर्गियां बाजार में बेच के आना पड़ेगा। निराश होकर दखक नाग उसकी काली गुफा में लौट आए। फिर दखक नाग ने उसका मुर्गियों को गिनने लगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अरे अरे, और एक मुर्गी कहाँ गया? मेरा मुर्गी, और एक मुर्गी कहाँ गया? तभी दखक देखता है उसका गुफा के अंदर से जंगल की तरफ एक पैरों का निशान, जिसको देखते ही दखक समझ गया उसका मुर्गी कौन चोरी कर रहा है। दखक नाग को मैंने फिर से उल्लू बनाया। मैं अभी झाड़ियों के पीछे छुप जाता हूँ ताकि दखक मुझे ढूंढ न सके। लगता है ये शैतान लोमड़ी खुद को बहुत सतीर समझता है। अभी उसको मजा दिखाता हूँ। उसके पैरों के निशान को देखते हुए मैं आगे जाता हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, दखक पैरों के निशान अनुसरण करते हुए एक झाड़ियों के पास आ पहुँचा। फिर वो देखता है पैरों के निशान अचानक से गायब। फिर दखक नाग लोमड़ी को पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र करता है। झाड़ियों से थोड़ी ही दूर एक पेड़ पे बैठी थी टूनी, तोता और मैकाओ। फिर दखक उस पेड़ के नीचे में जाके तोता से कहने लगे, तोता, ए तोता, सुना मैंने तुम तो जंगल का सभी का आवाज नकल कर सकते हो, क्या तुम औरत लोमड़ी का आवाज निकल सकते हो? तब मानूंगा तुम आवाज निकालने में माहिर हो। तभी तोता औरत लोमड़ी की तरह आवाज निकालने लगे। अरे अरे, ये कौन मुझे पुकार रहा है? लगता है मेरा जाने मन आ गया, मैं निकल के जाता हूँ। फिर लोमड़ी झाड़ियों से बाहर आते हैं
और जैसे ही दो कदम आगे जाते हैं, तभी दखक नाग सातीर लोमड़ी को पकड़ लेता है। फिर सातीर लोमड़ी को बहुत पीटते हैं। अरे दखक, मैं मर गया, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो, मारो मत। फिर दखक नाग लोमड़ी को छोड़ देते हैं। लोमड़ी वहां से भाग जाते हैं और थोड़ी ही दूर जाके एक उड़ते हुए कौए को देखते हैं। फिर सातीर लोमड़ी कौए को भी बेवकूफ बना के उसका खाना चोरी करने के लिए उसके पीछे पीछे जाते हैं। जरा रुकिए, आपके लिए खुशखबरी है। जल्दी से आपका नाम कमेंट में लिख दीजिए। नाम लिख के ये रियो वर्ड्स चैनल जो सब्सक्राइब करेगा उसका नाम से नए कार्टून वीडियो बनाएंगे। और अभी स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो आ रहा है इसे क्लिक करके अगले वीडियो में देख सकते हैं लकी ड्रॉ से किस किस का नाम चुना गया है। जल्दी ही क्लिक कीजिए, अगले वीडियो में आपका भी नाम हो सकता है।